हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे किचन में। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पोहा पालक कटलेट की रेसिपी। और ये कटलेट टेस्टी तो होने के साथ साथ काफ़ी हेल्दी भी है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। और अगर आप वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो रेसिपी देख लेते हैं। आज मैं बनाने जा रही हूँ पालक और पोहा के कटलेट। और इसे बनाने के लिए मैंने एक यहाँ पर मीडियम साइज़ का बाउल ले लिया है। और इसमें मैं डाल रही हूँ 1.5 कप के करीब पोहा। तो ये नॉर्मली वही पोहा है जिसे हम पोहा बनाते हैं, पतले वाला। ये देखिए पतले वाला पोहा है ये। और इसे अच्छे से हम 2 बार धो लेंगे, तो मैं इसे 2 बार धोकर तैयार कर लेती हूँ। और यहाँ पर पोहे को हम धो लेते हैं, तो इसमें डाल लेते हैं पानी। तो ये मैंने मिक्स कर लिया है पानी में अच्छे से पोहे को, और इसका पानी अब निकाल देंगे। तो मैं इसे इसका पानी निकाल देती हूँ। और यहाँ पर मैंने एक बार पोहे का पानी निकाल दिया है, और एक बार और धोएंगे पोहे को। मिला लेने के बाद इसका पानी हम दोबारा से निकाल देंगे। तो इसका पानी मैं दोबारा से निकाल देती हूँ। और यहाँ पर मैंने पोहे का पानी निकाल दिया है, थोड़ा सा पानी इसमें रह गया है, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। पानी को थोड़ा ही पानी छोड़ा है मैंने इसमें। और इस पोहे को हम रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि पोहे हमारे फूलकर अच्छे से तैयार हो जाएं। उसके बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे। और यहाँ पर हमारे जो पोहे हैं रखे हुए 10 से 15 मिनट हो गए हैं, और पोहे बहुत अच्छे से फूलकर तैयार हो गए हैं। तो इन पोहों को निकाल लेंगे एक बड़े बोल में। तो यहाँ पर मैं एक बड़ा बोल ले रही हूँ, और इसमें मैं पोहा निकाल लेती हूँ। पोहे को बड़े बोल में निकाल लेने के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ पालक बारीक कटी हुई। तो ये 1.5 कप के करीब पालक है, जितना पोहा लिया है मैंने उतना ही पालक लिया है। और ये इसमें डाल देंगे। पालक डाल लेने के बाद इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा प्याज बारीक कटा हुआ, हरी मिर्च स्वाद के अनुसार बारीक कटी हुई, साथ में डाल देंगे हरा धनिया। तो सभी चीजें इसमें डाल देंगे। उसके बाद डाल देंगे इसमें कुछ मसाले। तो मसालों में यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच के करीब चिली फ्लेक्स। आप अपने स्वाद के अनुसार चिली फ्लेक्स ले सकते हैं, या फिर इसे स्किप भी कर सकते हैं, या यहाँ पर आप लाल मिर्च के पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद डालेंगे 1 चम्मच भर के जीरा का पाउडर, और साथ में डाल देंगे 1/2 चम्मच हल्दी का पाउडर। तो यहाँ पर ये 1/2 चम्मच में हल्दी का पाउडर डाल रही हूँ। इसके बिना भी बना सकते हैं, अगर हल्दी का पाउडर नहीं डालना चाहते तो ना डालें। और इसमें डाल देंगे हम 1/2 चम्मच के करीब चाट मसाला। तो यहाँ पर मैं 1/2 चम्मच चाट मसाला डाल देती हूँ। मसाले डालने के बाद इसमें हम डालेंगे बॉयल आलू। तो 1 कप के करीब मैंने यहाँ पर बॉयल आलू लिया है, इसे मैंने तुरंत ही बॉयल किया था, और बॉयल करने के बाद इसे मैंने मैश कर लिया है। तो ये बॉयल आलू इसमें डाल देंगे, जिससे कि अच्छी बाइंडिंग आएगी हमारे कटलेट में। तो ये मैंने 1 कप लिया है, ये डाल दिया मैंने इसमें। और साथ में डाल देंगे नमक स्वाद के अनुसार, नमक अभी तक हमने नहीं डाला है, तो यहाँ पर मैं नमक डाल देती हूँ। तो ये नमक डाल दिया मैंने, और अब पूरे मिक्सर को बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। तो इसे मैं हाथों से ही अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, और बिल्कुल एक डो की फॉर्म में इसे तैयार कर लेना है हमें। और ये देखिए पूरा मिक्सचर हमारा बिल्कुल डो की फॉर्म में आ गया है, बहुत अच्छे से ये बाइंड हो रहा है। तो बस इसे ऐसे ही बाइंड करना है। और अगर आपका मिक्सचर प्रॉपर बाइंड नहीं होता तो इसमें आप थोड़े से बॉयल आलू और ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारा ये कटलेट का पूरा मिक्सचर बनके तैयार हो गया है। ये देखिए बिल्कुल डो की फॉर्म में तैयार है ये। और अब हम लगाएंगे हाथों पे थोड़ा सा तेल, हथेलियों पे थोड़ा सा हम तेल लगा लेंगे। उसके बाद हम इसमें से थोड़ा सा पोर्शन ले लेंगे, और इसे हम कटलेट की शेप दे देंगे, या फिर कोई भी शेप दे सकते हैं आप।
तो इस तरीके से पहले हम इसे रोल कर लेंगे और उसके बाद इस तरीके से इसको शेप देंगे। ये देखिए, तो बस मैं इसे ऐसे ही रखने वाली हूँ, इससे ज़्यादा पतला नहीं करूँगी क्योंकि इसमें हमने जो भी चीज़ डाली है वो ज़्यादा पकाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो सभी को मैं इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लेती हूँ। और यहाँ पर जो मैंने कटलेट का शेप रखा है वो आप अपने ज़रूरत के अनुसार छोटा या बड़ा रख सकते हैं। अगर आप छोटा रखना चाहते हैं तो छोटा रख सकते हैं, बड़ा रखना चाहते हैं तो बड़ा रख सकते हैं। और देखिए बहुत ही आराम से स्मूथ सा कटलेट बन के तैयार हो जाता है। इस तरीके से इसके किनारों को, अगर क्रैक पड़ जाते हैं तो किनारों को इस तरीके से शेप दे दें उंगलियों की हेल्प से। तो ये हमारा दूसरा कटलेट भी बन के तैयार हो गया और सारे कटलेट बिल्कुल इसी तरीके से मैं बनाकर तैयार कर लेती हूँ। और यहाँ पर मैंने सभी कटलेट बनाकर तैयार कर लिए हैं, तो चलते हैं इन्हें शैलो फ्राई करने के प्रोसेस में। कटलेट को शैलो फ्राई करने के लिए गैस पर मैंने एक पैन रखा है और इसमें डाल देंगे 2 से 3 टेबलस्पून के करीब तेल। और उसके बाद तेल को हम गरम कर लेंगे, पूरे पैन में तेल को अच्छे से फैला लेना है। तो यहाँ पर ये तेल भी गरम हो गया है, तो एक एक करके जो हमने कटलेट बना के रखे हैं वो इसमें डाल देंगे। तो एक बार में जितने पैन में आ जाए उतने हम डाल लेंगे। ये देखिए, तो इतने ही पैन में आए और इसे अच्छे से एक तरफ से फ्राई करना है, उसके बाद दूसरी तरफ से पलट कर फ्राई करेंगे। और यहाँ पर जो हमारे पालक कटलेट हैं एक तरफ से सिक चुके हैं, तो इन्हें हम पलट कर अब सेक लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से इसे पलट लेंगे। तो सभी को मैं पलट लेती हूँ और दूसरी तरफ से बिल्कुल ऐसा ही क्रिस्पी होने तक हम सेकेंगे। मैं इसे भी सेक लेती हूँ बहुत अच्छे से। और यहाँ पर हमारे ये कटलेट दोनों तरफ से बहुत अच्छे से सिक गए हैं, ये देखिए। तो बस इसे इतना ही सेकना है, इसे ज़्यादा नहीं सेकेंगे। और बहुत ही क्रिस्पी से हो गए हैं ये दोनों साइड से। मैं पलट के दिखाती हूँ। ये देखिए, तो इस तरीके से कटलेट तैयार कर लेंगे। और इन कटलेट को आप केचप के साथ, चटनी के साथ या फिर ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। शाम की चाय के साथ भी इन पालक और पोहे के कटलेट को आप तैयार कर सकते हैं, तो इसे बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। तो इस तरीके से जरूर ट्राई कीजिए कटलेट की रेसिपी, और अच्छा लगने पर फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। मेरे साथ कमेंट करके शेयर कीजिए कि रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ नए एपिसोड में। धन्यवाद।